हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपको कोई इमेज सेव करनी है किसी भी एक व्यू की, तो आप उस इमेज को कैसे सेव कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। मान लो मेरे पास यहाँ पे मैंने एक व्यू ओपन किया हुआ है 3D और मैंने इतना इसे जूम किया हुआ है, क्लियर है? इतना साइड में रोड्स वगैरह मेरे को नजर नहीं आ रही है। चलो इसको मेरे को एज ए इमेज एक्सपोर्ट करना है, तो फाइल पे क्लिक करें, एक्सपोर्ट पे जाएं और नीचे आप जाओगे इमेज एंड एनिमेशन पे, तो यहाँ पे आएगा इमेज। क्लिक ऑन इमेज तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, यहाँ पे एक विंडो ओपन होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले है एक्सपोर्ट इमेज। एक्सपोर्ट इमेज में यहाँ पे है कि नेम की किस नाम से और कहाँ पे सेव करना है, तो आप चेंज करें, कोई भी लोकेशन आप डाल सकते हो। मान लो मैं डेस्कटॉप पे डालता हूँ, डेस्कटॉप न्यू फोल्डर और न्यू फोल्डर एक और बनाता हूँ, न्यू फोल्डर 11। इसमें मैं करता हूँ किसी भी नाम से, मान लो फर्स्ट, एंड आप सेव कर दें। उसके बाद यहाँ पे है एक्सपोर्ट रेंज की आपको सेव करना क्या है। ये है करंट विंडो। करंट विंडो का मतलब है कि किस विंडो के, इस करंट विंडो में जितना भी प्रोजेक्ट है कंप्लीटली को वो कर देगा सेव। करके देखते हैं, एक बार ट्राई करते हैं। करंट विंडो पे क्लिक किया और एक चीज मेन होती है इमेज साइज, फिट टू कितना, ये भी बात करेंगे। अभी 512 पिक्सल्स है। आप इसे ओके करेंगे। ओके करने के बाद एक बार देखेंगे कि जो आपकी इमेज है वो कैसे सेव हुई है। आप यहाँ पे डेस्कटॉप पे जाएं, न्यू फोल्डर 11। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका करंट विंडो मतलब कंप्लीट आ गया। क्वालिटी अभी अच्छी नहीं है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। अगर आप यहाँ पे क्लिक करके आप इसे एक्सपोर्ट करते यहाँ से, और यहाँ से आप करते इमेज, और यहाँ पे विजिबल पोर्शन ऑफ करंट विंडो की कितना पोर्शन मुझे विजिबल है उतना, क्लियर? और यहाँ पे मैं थोड़ा पिक्सल्स को बढ़ाता हूँ ताकि मेरी क्लियरिटी बढ़े। मैं इसको 2000 पिक्सल करता हूँ अभी। एंड अगर मैं अब ओके करता हूँ, और अगर अब आप जाके देखते हो उस इमेज पे, तो यहाँ पे आपका ये आ गया और आपका करंट पोर्शन ऑफ विजिबल विंडो, तो साइड वाला नहीं आया, ओनली जितना विजिबल पोर्शन था वही आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका कि अगर आप यहाँ पे एक्सपोर्ट करते हो दोबारा से जाके इमेज, सिलेक्टेड व्यूज, आप व्यूज को सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप सिलेक्ट पे क्लिक करें, यहाँ पे है कि मेरे को 3D View 1 की ये वाला व्यू है, ये आपको चाहिए। जितने भी यहाँ पे व्यू है सभी आ जाएंगे यहाँ पे। कि मेरे को फ्लोर प्लान ग्राउंड फ्लोर का आपको निकालना है, यहाँ पे आपने रखा कि मेरे को एलिवेशन नॉर्थ का निकालना है या वेस्ट का निकालना है, ये एलिवेशन आप यहाँ से निकाल सकते हो। किसी भी व्यू को आप इजिली यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। इसको आप कर सकते हो ओके। ओके करोगे तो आपको पूछेगा डू यू वांट टू सेव दिस सेटिंग फॉर यूज इन ए फ्यूचर रेविट सेशन। आप करो यस, नाम रखो कि सेट का नाम क्या है, सेट वन किया, ओके। तो यहाँ पे व्यू सेट वन आ गया यहाँ पे। अब अगर आप ओके करोगे तो ये जितनी भी इमेजेस मैंने सेलेक्ट की थी वो सारी की सारी इमेजेस आपकी वन टाइम में आपकी यहाँ पे एडजस्ट हो जाएंगी, आ जाएंगी। डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पे एलिवेशन आप देख पा रहे हो, यहाँ पे लेवल ग्राउंड फ्लोर देख पा रहे हो, और यहाँ पे 3D देख पा रहे हो, क्लियर है? तो आप पर्टिकुलर कितने भी व्यूज को यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो जो भी आपको इमेज को सेव करना है। इवन अगर आपको रेंडर को सेव करना था तो सिलेक्ट पे क्लिक करें और यहाँ पे इनको हटाएं या सेट मी ऐड करें, या फिर रेंडर पे यहाँ पे क्लिक करें, ओके करें, एंड ओके करोगे तो आपका रेंडर वहां पे सेव हो जाएगा जो आपने निकाला है। अब इस पर डबल क्लिक करोगे तो ये रेंडर आपका यहाँ पे सेव हो गया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है कि अगर मैं एक्सपोर्ट में दोबारा से इमेज पे जाके वो इमेज पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे है आपका, मान लो विजिबल पोर्शन मैंने रखा, ऑप्शन में है कि क्या चीजें आपको हाइड करनी है, क्या अनहाइड रखनी है। यहाँ पे है व्यू लिंक्स इन ब्लू। जो लिंक्स हैं आपके, अगर इमेज पे कहीं पे भी कोई रेंडर पे लिंक्स है कि वो ब्लू में नजर आए, डब्ल्यू डब्ल्यू करके जो लिंक्स होते हैं, हाइड कर सकते हैं। आपका वर्क प्लेन या रेफरेंस प्लेन अगर आपको हाइड करना है हाइड कर सकते हैं, अनहाइड करोगे तो शो होगा। हाइड कर सकते हैं स्कोप बॉक्स को, हाइड पे क्लिक कर सकते हैं। क्रॉप बाउंड्रीज अगर आपको शो हो रही है अपनी इमेज में तो उसे हाइड कर सकते हैं, या फिर हाइड कर सकते हैं अनरेफरेंस्ड व्यू टैग्स को। अगर अनरेफरेंस्ड व्यू टैग है उसे भी आप हाइड कर सकते हैं। डिपेंड करता है आपके प्रोजेक्ट में क्या क्या चीज आपने यूज की हुई है और किसको आपको हाइड करना है, ओके? उसके बाद बात करते हैं इमेज साइज फिट टू। अब इमेज साइज बाय डिफॉल्ट था 512। अब इसमें आपकी जो इमेज की क्वालिटी थी, अगर आप देखोगे यहाँ पे,
इसको क्लिक करोगे तो ये आपका 9 KB का था। नेक्स्ट हमने जो इमेजेस निकाली वो हमने थोड़ा सा ज्यादा पिक्सल्स पे निकाली तो 118 KB का था। ये रेंडर निकाला ये आपका 230 KB का था, ये आपके 316 KB के थे। अब इसमें क्या है कि डबल क्लिक करके अगर मैं अपनी इमेज को देखता हूँ, यहाँ पे जूम करता हूँ तो पिक्सलेट होता है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे ज्यादा पिक्सल्स को रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कर दिया 10,000 पिक्सल्स। अब 10,000 पिक्सल्स यहाँ क्या है, यहाँ पे है डायरेक्शन वर्टिकल करना है हॉरिजॉन्टल, तो आपकी इमेज की ओरिएंटेशन चेंज हो जाएगी वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, हम हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करते हैं। और उसके बाद यहाँ पे जूम टू अगर आपको करोगे तो वो है कि कितना एक्चुअल साइज से कितना जूम होके आपका रेंडर निकले। मान लो मैं पहले इसकी बात करते हैं, फिट टू इतने पिक्सल्स हॉरिजॉन्टल शेडेड व्यू। फॉर्मेट क्या रखना है वो आप चूज कर सकते हैं, जेपीजी फॉर्मेट, लोसलेस या फिर मीडियम या स्मॉलेस्ट। आप पीएनजी इसमें शेव कर सकते हैं, टारगा इमेज में शेव कर सकते हैं। बट अगर आप चाहते हो कि जब मैं इसको सेव करूं तो कोशिश रहे कि इसके पिक्सल पिक्सलेट ना हो जूम करने पे, तो हम यहाँ पे टिफ रखेंगे शेडेड व्यू को भी और नॉन शेडेड व्यू को भी, कितना पोर्शन शेडेड है कितना नॉन शेडेड है, दोनों की प्रॉपर्टी अलग अलग है। अब अगर आप विजिबल पोर्शन और करंट विंडो को ओके करोगे, अब ये इमेज आपकी जो सेव होगी उसका साइज बाकी इमेज से कहीं ज्यादा होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अब इस पे क्लिक करता हूँ, कहाँ पे आई, 1 मिनट, ये इमेज अब आपकी आई है। अब इस पे मैं क्लिक करूंगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 54 MB की आपकी इमेज है। अगर आप इसे डबल क्लिक करते हो और इसे आप ओपन करते हो, मैं ये ऑफ कर देता हूँ आपके व्यूज ताकि वो अच्छे से मेरे को दिखाई दे। अब अगर मैं इस पर डबल क्लिक करता हूं तो आप देखेंगे इसकी क्लियरिटी कितनी है। जब आप कंट्रोल प्रेस करके से जूम करोगे तो वो इमेज आपकी इतनी पिक्सेलेट नहीं होगी, इवन पिक्सेलेट ही नहीं होगी। क्लियर है, किसी को आपको सेंड करना है, प्रिंट निकालना है, कुछ भी करना है तो आप ऐसे अपनी इमेज को सेव कर सकते हो। क्लियर है, अब दोबारा से इस पे चलते हैं, सेव एक्सपर्ट पे चलते हैं, इमेज और उसके इमेज एंड एनिमेशन इमेज। अब यहां पे क्या है कि आप मान लो मैं इसको 20,000 पिक्सल्स करता हूं, जितने इसकी अब कोई लिमिट नहीं है कि आपको कितने पिक्सल्स करना चाहिए। ये डिपेंड करता है आपके सिस्टम पे कि आपका सिस्टम कितने पिक्सल्स को सपोर्ट करता है। अगर वो होगा तो डायरेक्टली आपका इमेज सेव हो जाएगी, अगर वो उतने पिक्सल्स को सेव नहीं कर पाएगा और ओके करोगे और यहाँ पे फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट यस करोगे, अगर वो उसे करना होगा, अगर आपका सिस्टम सेव करता होगा उतने पिक्सल्स को, तो वो डायरेक्टली उसे सेव ही कर देगा। अगर नहीं होगा तो आपके पास एक वार्निंग आ जाएगी कि हम इसे सेव नहीं कर सकते, ऐसा करके तो आप उसके पिक्सल्स को कम कर सकते हैं और उसको अगेन आप वहां पे इमेज को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अभी तक आपका ये हुआ नहीं है तो आप यहाँ पे देखेंगे, अच्छा करंट ये किया था, ये आप डबल क्लिक करोगे, अगर आप यहाँ पे देखते हो ये आपका हुआ, जूम करते हो तो इस तरीके से आपको यहाँ पे दिखाई देता है। क्लियर है, तो ऐसे करके आप अपनी इमेज को सेव कर सकते हैं, पर्टिकुलर कोई भी इमेज। यहाँ पे आप करोगे एक्सपोर्ट इमेज एंड एनिमेशन, यहाँ पे आप जाओगे इमेज पे क्लिक करोगे तो इन सब चीजों का आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। अगर मैं जूम टू करता हूँ 50%, अगर मैं इसे इंक्रीज करता हूँ 58, 59, 60, अब अगर मैं इसे ओके करता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे अगर मैं एग्जिस्टिंग पे क्लिक करता हूँ ओके, अब ये सेव हो जाएगा आपका। और अब देखते हैं क्या इफेक्ट दिखाता है, अगर आप इस पे क्लिक करते हो, अब ये 102 KB की है तो उसने उस पार्ट को हल्का सा जूम किया है बट वो पिक्सेलेट है। क्लियर है, बट हमें करना क्या है, हमें करना सिर्फ इतना है, हम जूम टू को यूज नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली पिक्सल्स पे ही वर्क करेंगे। फिट टू कितने पिक्सल्स पे फिट हो, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, ये आप सिलेक्ट करके आप इसका यूज कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को अभी के अभी लाइक करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलें। जितने भी न्यू व्यूवर्स हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज वीडियो को विदाउट लाइक किए मत जाएं। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो देखने के लिए।